हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ IEX स्टॉक के बारे में। स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन आज के सेशन में आती हुई दिख रही है एंड स्टॉक डे लो पे ट्रेड कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आज के सेशन में अभी तक 80 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं एंड अभी 11:40 का समय हो रहा है। 80 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, स्टॉक डे लो पे खड़ा है एंड पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम्स पता है आपको क्या है? पूरे दिन के एवरेज वॉल्यूम्स इस स्टॉक में लगभग 82 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिसके सामने 80 लाख शेयर्स पहले ही 2 घंटे में ट्रेड हो चुके हैं एंड स्टॉक लगभग 4.5% डाउन है, 166.85 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है, कुछ खबरें भी हैं, कुछ आज की हैं, कुछ एक दो दिन पुरानी हैं। दोनों न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करूंगा एंड क्या ये स्टॉक इन लेवल्स पे बेचने वाला है या फिर खरीदने वाला है, इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, हर बार कोई स्टॉक भी गिरता है एंड वो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो एंड या फिर अब IEX की बात करें तो मोनोपोली स्टॉक है, लगभग 95 शेयर है इसका मार्केट में, 95% शेयर कहीं ना कहीं इसी का है, कंपनी का कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस आप कह सकते हैं इस स्टॉक को एंड पावर की डिमांड कंजप्शन आप देख रहे हैं कितने पीक पे है एकदम। अब इस स्टॉक में जो ये गिरावट है वो काफी बड़ी हो चुकी है, 318 के 52 वीक हाई है, उसके सामने 166 पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस स्टॉक में परेशान केवल वही है जिसने 3 महीने 6 महीने 9 महीने पहले या फिर थोड़े से ज्यादा दिन पहले बाय करा है। स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन आप लोगों ने देखिए, लगभग 266 रुपीज से वन साइडेड गिरा स्टॉक, लगभग 193 तक, फिर बाउंस बैक आया 240 तक एंड फिर जो गिरावट हुई है अभी तक चली रही है, कोई बाउंस बैक नहीं आया है इसमें बड़ा बाउंस बैक। लेकिन अगर किसी ने एक साल पहले बाय करा है ना एंड उसने होल्ड कर रखा है तो वो अभी भी 30% ऑलमोस्ट प्रॉफिट में बैठे हैं। 2 साल पहले अगर किसी ने बाय करा है तो उनका तो पैसा लगभग 3 गुना हो गया है, 173% के रिटर्न्स हो चुके हैं, मोर देन डबल इज उनका पैसा बन चुका है। 5 साल पहले की बात करूं तो स्टॉक लगभग 2017 में स्टॉक ने मार्केट में डेब्यू कराया एंड स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा लगभग 2020 तक, लगभग 52 रुपीज से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक स्टॉक 45, यानी 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स एंड सेम लेवल पे कंसोलिडेशन। लोगों के पेशेंस लेवल टेस्ट कर लिए, सबने बेच दिया एंड स्टॉक भागना शुरू हुआ। लगभग 2020 16 मार्च 45 रुपए से भागना शुरू हुआ एंड 318 रुपए तक चला गया एंड स्टॉक में उसके बाद अब ये करेक्शन जो है वो भी काफी बड़ी होती हुई दिख रही है। तो इस स्टॉक का चार्ट एंड जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई वो केवल और केवल ऐसी चीजें बताएं जो आप इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, जो हम बोल रहे हैं जो आप देख रहे हो दोनों चीजें सेम होती हैं, बस बात होती है कॉन्फिडेंस की। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके पास जो शेयर है उसमें आपको डर लगेगा, लेकिन अगर वही शेयर किसी और के पास है एंड करेक्ट हो रहा है तो आपको दिखेगी अपॉर्चुनिटी। कभी भी आप ट्राई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल IEX का स्टॉक अगर आपके पास है ऊपर के लेवल से तो आप सोच रहे हो यार कितना गिरेगा, खत्म तो नहीं होगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होंगे आपके दिमाग में। लेकिन अगर IEX आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है एंड किसी और की में है या फिर नहीं भी है किसी और की में, बस फर्क इतना है कि आपकी में नहीं है अभी, तो पता है आप IEX को ट्रैक कर रहे हो अगर काफी टाइम से तो आपको लग रहा होगा ये स्टॉक यार अपॉर्चुनिटी है, तो पैसा डबल हो सकता है। ये डिफरेंस होता है, पता है क्यों? ये साइकोलॉजिकल है, ये ऐसा होता ही होता है। अभी IEX के अगर आप वैल्यूएशन एंड इसके फाइनेंशियल चेक करोगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। स्टॉक 48 के पीई पे आ गया है, मोनोपोली बिजनेस है, मेरे को लगता है रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया है ऑलमोस्ट। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है इस स्टॉक को लेकर मैं आपके साथ जो चीजें बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप इस स्टॉक के फाइनेंशियल चेक करिए। FY21 की बात करो तो 15,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिसके सामने 318 करोड़ की सेल्स है एंड 205 करोड़ का पैट है, तो काफी कम है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन महंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी सस्ता नहीं है, 2022 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड करता है, प्राइस टू अर्निंग 48 के, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत शानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तीनों के तीनों बहुत ही शानदार है, तो ये सब देख के आपको डर नहीं लगेगा। तो डेट फ्री कंपनी है, तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं इस स्टॉक में। अब मैं आपको कुछ न्यूज देता हूं।
आज के सेशन में 166 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड हुआ है, लगभग सॉरी 166.45 रुपीस पे एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है 20.12 करोड़ रुपीस का। तो ये मेरी तरफ से एक जो अभी भी मैंने बोला वो आप ध्यान दीजिए, पहले मैंने गलत बोला था, 166.45 के भाव पे 20 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है, ये ब्लॉक ट्रेड है। 7 जून को देखिए, अकॉर्डिंग टू द पावर डिमांड डाटा ड्यूरिंग मे 22 द एनर्जी कंजप्शन एट 136 BU सो 23% अप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वाइल द नेशनल पीक डिमांड एट 204.45 गीगावाट GW सो 21% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप देख सकते हैं कि पावर की डिमांड में कितनी तेज उछाल आ रहा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, 7 जून को कंपनी सॉ सिग्निफिकेंट करेक्शन इन द प्राइसेस व्हिच रिड्यूस फ्रॉम 10.06 पर यूनिट इन अप्रैल 22 टू रुपीज 6.76 पर यूनिट इन मे। तो 10 रुपए 6 पैसे से यूनिट घटाकर 6.76 रुपए की यूनिट कर दी। तो ये एक प्रॉब्लम का विषय आने वाले रिजल्ट्स में, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट अब मैं ऐसे स्टॉक के फाइनल व्यू दूं तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मार्केट शेयर मोनोपोली बिजनेस है, ऑलमोस्ट मार्केट शेयर मैंने आपको बताया 95% है अपने फील्ड में। मुझे लगता है ये स्टॉक अराउंड 130 मैक्सिमम जो 130-120 तक गिर सकता है, इसका ये मतलब नहीं है गिर ही रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैसे कुछ नहीं होता, बट हाँ चार्ट ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे जाके रुक जाएगा स्टॉक। एंड सेकंड थिंग, जिसकी पोर्टफोलियो में है अगर वो इन लेवल्स पे निकालता है एंड मार्केट में तेजी बनती है तो ये स्टॉक डेफिनेटली बाउंस बैक कर जाएगा, फिर आपको शायद टेंशन हो। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप बहुत ही सोच समझ कर कोई भी फैसला लें। मार्केट में जब तक 15-200 नहीं ब्रेक होगा तब तक हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बॉटम बना चुके हैं, दैट मीन्स ऊपर की गुंजाइश खुली है, नीचे की अभी लॉक है। अगर मार्केट घूमी तो ये स्टॉक भी घूम जाएगा, अदरवाइज नीचे जा सकता है। अब आपको करना क्या चाहिए, मैं बिकवाली की सलाह तो नहीं दूंगा, बट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा अगर नीचे आता है इनकेस तो आप उसे एवरेज या फिर फ्रेश बाइंग के लिए जरूर अपॉर्चुनिटी यूज करें। तो ये मेरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट।